तो इधर आप लोग देख सकते हैं, हम लोग के घर के चूहा की कूड़ा पाती दांत का पिन उठा के ले गया चूहा। बड़ी दी खोज रही है। इधर बड़ी दी अपना दांत का पिन खोज रही है प्रीति का, और उधर चलिए आप लोग को दिखाते क्या हो रहा है आज। इधर देखिए सफाई हो रहा है हम लोग का स्टोर रूम का, और आज देखिए हम लोग किसको काम में लगाए हुए हैं, जो अपना मुंह छुपाते रहते हैं। आप लोग एक शॉर्ट वीडियो में देखे ही होंगे जो अपना मुंह छुपाते रहते हैं, और देखिए अभी भी मुंह छुपा रहे हैं। तो इधर सामान उतार रहे हैं देवर जी, और इधर आते यहाँ पे सामान सब रख रही है, और कुछ सामान इधर भी है देखिए, सब बर्तन सब है, कुछ सामान यहाँ भी है, सब यहाँ हम लोग बैठ के भी साफ करेंगे। ये क्या है? बेलचा, बेलचा बोलते हैं ना इसको, हिंदी और बांग्ला दोनों में बेलचा ही बोला जाता है। बहुत सारे चीजों का हमको नाम नहीं पता होता है। तो लगता है कि बड़ी दी अब हार चुकी है, बड़ी दी को मिला ही नहीं। मेरे रूम में भी चेक करना होगा, और चूहा कहीं भी जाता है ना इधर उधर, नहीं है। कितना शैतान चूहा है सही में, पिन लेके भाग जाएगा। क्या मिला उसमें सही में? चूहा का सामने दो दांत ऊंचा होता है ना, अपना सेट करने के लिए ले गया। मिला तो इधर बड़ी दी लग रहा है हार चुकी है, नहीं मिल रहा है इनको। हेलो दोस्तों, सबसे पहले आप सबको गुड मॉर्निंग, और आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे ही होंगे। सबको हमारा प्यार भरा नमस्ते, का स्वागत है हमारा चैनल मिसेस रंजन ब्लॉग्स में। और हम लोग का तबीयत थोड़ा सा ख़राब है घर में, लगभग सबका, मम्मी जी का तो तबीयत ख़राब है, फीवर हो रहा है उनको, और हम लोग का गला खाली ख़राब है, फीवर उवर नहीं हो रहा है, गला ख़राब है, क्योंकि अभी सीजन ही चेंज हो रहा है, मतलब मौसम ही ऐसा है कि सबके घर में सुन रहे हैं कुछ ना कुछ हो ही रहा है सबको। तो आज का व्लॉग अभी से स्टार्ट कर रहे हैं, सुबह के 9 बज रहे हैं अभी, और आज हो रहा है घर का साफ सफाई फिर से। आज हो रहा है हम लोग का स्टोर रूम का साफ सफाई, जो कि स्टोर रूम का साफ सफाई स्टार्ट हो चुका है। देखिए इधर बर्तन रखा हुआ है, और अभी दिवाली आ रही है तो साफ सफाई सबके घर में स्टार्ट हो ही गया होगा। तो अभी आ रही है दिवाली, फिर दिवाली के बाद आएगा छठ, तो अभी मतलब महा फेस्टिवल जो होता है, अभी सीजन है वो। गुनगुन कल फर्स्ट आई है, तो इसी खुशी में कल हम लोग को एक पार्टी दी थी ना, अंडा और चावल, चावल तो हम लोग को कल एक पार्टी दी थी गुनगुन। तुम दियो कि अच्छी दीदी दी है? हाँ तुम दियो। हाँ। फिर अच्छी दीदी का पार्टी वो देगी। ठीक है, तो गुनगुन फर्स्ट आई है, पिछले बार थर्ड आई थी ना, सेकंड की थर्ड, थर्ड आई थी तो बहुत रोई थी बेचारी। इस बार इतना पढ़ी है कि फर्स्ट आ गई इस बार, है ना। तो आप सब कोई इसको कॉन्ग्रेचुलेशन बोल दीजिएगा। जा रहे दूध लाने, भैंस का दूध लाने जा रहे। देखिए हमेशा मुंह छुपाते रहते हैं, देख लिए ना आप लोग। तो गुनगुन अभी स्कूल जाने के लिए तैयार होगी, बिल्कुल भी तैयार नहीं हुई है, ना नहाई है, ना कपड़ा पहनी है, ना खाना खाई है, और 9 बज गया, 9 से 9 10 हो गया। देखो आज गुनगुन ने मेरे साथ बहुत काम किया, आज पूजा के लिए सब फूल तोड़ी है गुनगुन, है ना। और क्या की हो? और नींबू रखी हो। तो देखिए स्टोर रूम का अभी तक पूरा सामान निकला भी नहीं है, चूहा का पॉटी देखिए खाली, ये तो कुछ भी नहीं है, अभी और निकलेगा, अभी सामान कुछ भी नहीं निकला है, बस थोड़ा सा सामान खाली हुआ है यहाँ का। और ये है दिव्या का वॉकर, जो कि दिव्या अभी इसको झूला बोलती है। हाँ वो झूला थोड़ी ना है जो झूलती थी दिव्या दीदी, चलती थी। ये रहा वॉकर इसका, और इसका जो बीच का जो
कपड़ा होता है बैठने वाला, वो चूहा खा गया, तो हम लोग के घर में चूहा का कितना आतंक है आप लोग समझ ही सकते हैं देख के। ये सब में गाना बजता है, सब खराब हो गया। इसमें बैटरी लगता है, इसमें से गाना निकलता है, इसको बजाना पड़ता था। इसको हॉर्न, ये हॉर्न बजता है पिप पिप। कोई सामने इसमें होता है तो बच्चा बोल नहीं ना पाता है। हमारे यहाँ एक चीज़ और है, देखिए मिल्टन गैस, जो कि बहुत ही पुराना है, पहले ज़माने का है, और हम तो यहाँ आकर फर्स्ट टाइम देखे, हम पहले देखे भी नहीं थे, हम इसका नाम भी नहीं जानते हैं। तो हम लोग का खाना लगभग सब कुछ बन ही चुका है, बन गया ना पूरा। तो आज के लंच में बना है ये काबली चना, छोला, चावल, ये क्या है, चोखा, आलू का चोखा, प्याज वाला, और ये है बिना प्याज वाला भैया जी का स्पेशली दाल, बैंगन का भाजा और भिंडी भाजा भी तो था, भिंडी का भाजा और क्या है, केला का भुजिया। तो अब हम लोग किचन का पूरा काम खत्म कर लिए हैं और इसके बाद हम लोग सब मिलके तीनों मिलके साफ सफाई करेंगे। हाँ, उसका स्कूल का जाने का टाइम हो गया है। बोलिए बोलिए, कल प्रीति का भी रिजल्ट आया है, तो प्रीति क्या आई है वो प्रीति खुद बताएगी। आप लोग भी प्रीति को कांग्रेचुलेशन बोल दीजिएगा, गुनगुन और प्रीति दोनों को। क्या गुनगुन तो बल्ले बल्ले, उसके बाद गुनगुन टॉप आएगी हमेशा, ठीक लाना ही है, ओके ना, डन डन करो, डन ठीक। रंगोली के लिए कुछ खरीदना नहीं आना, सब कलर पीला, गुलाबी, लाल, हरा। यहाँ रंगोली बनाने के लिए कलर मिल गया हम लोग को, गोली वाला ऐसी सफाई में मिलता है हर साल। यहाँ देखिए कौन है, डाकू मंगल सिंह लुटेरी, डाकू चंबल पानी देवी, देखे चेहरा देखे। चूहा का एक और कारनामा देखे, यहाँ पूरा ब्रश काट दिया है, अच्छा ब्रश, कितना सारा काटा हुआ है, इतना तो चूहा बहुत सामान बर्बाद कर चुका है यहाँ, चूहा का कुछ नहीं ना पहले। और यहाँ देखिए इसका ढक्कन कहाँ है, इसका ढक्कन ही नहीं है, ये भी काट दिया है साइड से, साइड से ढक्कन गायब कर दिया। इसको ये बैटरी का पंखा है। इधर देखिए हम लोग का इधर पूरा सफाई हो चुका है और पूरा सामान सब कवार जैसा फैला हुआ है, बना हुआ है पूरा कवार, देख सकते हैं आप लोग। लेकिन सब सरिया देंगे तो सब पहले जैसा, सब पहले जैसा ही हो जाएगा एकदम अच्छा। जब सामान निकलता है, सामान सरियाया हुआ रहता है तो पता नहीं चलता है कि इतना सामान है, जब उसको निकालिए तब पता चलता है कि बाप है कितना सामान है। अभी ये आधा भी नहीं है, इसमें से आधा सामान तो बहुत बेकार होता है, हम लोग फेंकना चाहते हैं लेकिन कोई फेंकने नहीं देता, हम तो कुछ कुछ फेंक देते हैं छुपा के। सॉरी। पापा जी मम्मी सब सुन रहे होंगे, जो हमको बेकार लगता है हम फेंक देते हैं, जो यूज़ का नहीं है कि साल साल निकल रहा है फेंका रहा है, और कुछ काम का है मतलब कि कोई यूज़ हो सकता है आगे तो उसको छोड़ देते हैं। जैसे कि अभी हम दो ठो बोरा फेंक दिए, एकदम सड़ा हुआ था, खराब जो रहते हैं हम फेंक देते हैं, गार्बेज जो होता है वही फेंकते हैं। बेकार का मतलब ये नहीं कि काम का चीज़ भी लेके फेंक दिए, ऐसा नहीं है, गार्बेज बना हुआ उसी में फेंकते हैं। तो चूहा जैसे काट दिया था ब्रश, सब फेंक दिए उठा के, खा पी के मजबूत बन गए हैं। अब आ रहे हमारे देवर जी, अब इनको चढ़ाया जाएगा मचान पे, हम लोग सामान पकड़ाएंगे और ये सब रखेंगे, कितना नखरा करके रखते हैं वो भी देखिएगा। अभी अभी रखने के लिए अभी 10 मिनट लगेगा उनको बोलते बोलते, देखिए मुँह छुपा के भाग जाते हैं तुरंत में एकदम से। हम लोग का एक सब्सक्राइबर है, बताइए क्या है वही। हम लोग का एक सब्सक्राइबर है जिसको कि मतलब सुषमा के हस्बैंड जो कि टीचर है, स्कूल में बहुत पीटते हैं।
वो कल बहुत रिक्वेस्ट कर रहा था सुषमा से कि मैम सर को बोलिए पीटेंगे नहीं, बहुत मारते हैं सर हम लोग को, तो हम लोग तो समझा दिए, हाँ सुषमा समझा दी है अब से नहीं पीटेंगे, एक बार पीटेंगे जम के सब बार का बदला निकाल लेंगे, उसके बाद छोड़ देंगे तो एक बार पीट लेता अच्छा से। तो देखिए इधर ये खाना खा के आ चुके हैं, आज बहुत काम कर रहे हैं जो कि इतना करते नहीं है कभी, और बड़ी देर इधर सब सामान सब उठा उठा के दे रही है और रख रहे हैं। आरती चली गई नहाने, पूरा भीगी हुई है इसीलिए नहाने चली गई, भीतर में रख दिए और चूहा का एक तो और कारनामा दिखाते हैं आप लोग को, ये देखिए हम लोग का एक खिड़की दिख रहा है, होल पूरा चूहा का काम है, ये पूरा होल कर दिया और यही से घुसता है चूहा, जो कि इधर नेट लगा हुआ है। ए वो जो ब्लू वाला डब्बा है ना उसको होल के नीचे रखिए और ये पंखा को उसके पीछे रख दीजिए, तो देखते वास्ते चूहा नहीं आएगा तो। और उसको ये हो जाएगा वहीं पर रखिए, डब्बा के ऊपर पंखा रख दीजिए ताकि वो उससे गिर जाएगा पंखा गिर जाएगा। वो डब्बा ये नहीं ना है, गिर जाएगा, छोड़िए वो चूहा आएगा।